तो सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताओ कि आपको वीडियो क्वालिटी के अंदर मतलब कुछ अलग लग रहा है, कुछ चेंज लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। बाकी करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। सो हेलो सुंदरन, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G के बारे में। मतलब मेरे को फ़ोन ये काफ़ी सही लगा। मैं ना मतलब ज़्यादातर वीडियो बनाता नहीं ऐसा, जो 30,000 से ऊपर फ़ोन होते हैं उनके ऊपर मैं कम ही वीडियो बनाता हूँ, बट ये फ़ोन मेरे को सीरियसली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए इस फ़ोन के बारे में, एंड आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट वगैरह उसको भी दूर किया जाएगा, एंड आप लोगों को एक ऑनेस्ट अपना ओपिनियन देने वाला हूँ कि मतलब कैसा लगा मेरे को ये फ़ोन, क्या ये फ़ोन OnePlus 8T को कॉम्पिटिट कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर 8 Pro को कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सल्तनत, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड या शेयर कर लेना, दोस्तों के दिमाग में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो भी ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G के डिस्प्ले एंड डिज़ाइन से। एंड आप लोगों को पता होगा भाई, सैमसंग की जो डिस्प्ले होती है टॉप नॉच होती है, मतलब बहुत ही ओपी क्वालिटी की आपको डिस्प्ले मिलती है। तो इधर भी आप लोगों को 6.5 मेरे हिसाब से एक वन ऑफ दी बेस्ट साइज बोलना चाहूँगा, फिर परफेक्ट साइज बोलना चाहूँगा, काफ़ी सही साइज़ की इधर आपको डिस्प्ले मिलती है। फुल HD प्लस का सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, इधर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, एंड आपको स्पीड भी काफ़ी सही मिलती है, एंड इधर आपको पंच होल मिलता है, एंड जो आपको पंच होल में जो आपको बेजल्स वगैरह मिलते हैं, जो पंच होल का साइज भी आपको मिलता है काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब ना एक बेजललेस डिस्प्ले मिलने वाली है, एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। वही बात करते हैं बैक की, तो इस फोन के अंदर आपको जो बैक मिलते हैं प्लास्टिक की मिलते हैं। हाँ, काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि भाई ऐसे मतलब प्लास्टिक की बैक भी बेकार चीज़ है, बट केस वगैरह लगा लोगे तो मतलब ठीक है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है। बाकी कलर्स वगैरह एंड डिज़ाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्यारे आपको मिलते हैं, एंड बैक साइड के अंदर आप लोगों को 3 कैमरे भी मिल जाते हैं। एंड हाँ, इधर जो आपको रिफ्रेश रेट मिलता है आपको 120Hz का मिलता है, तो मतलब डिस्प्ले वाइज तो एंड डिज़ाइन वाइज भी आपको काफ़ी ज़्यादा सही फोन ये मिल जाता है, एंड काफ़ी सही इन हैंड फील भी आपको मिलती है। वही चलते कैमरे डिपार्टमेंट की तरफ, तो इस फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 12 MP जो आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है, प्लस 8 MP टेलीफोटो के लिए, प्लस 12 MP अल्ट्रा वाइड, यहाँ पर आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60 FPS पे, एंड इधर आप लोग को OIS भी मिल जाता है जो आपकी फोटो एंड वीडियो के अंदर दोनों में ही काम आता है। बात की जाए सेल्फी की, तो इधर आप लोग को 32 MP की सेल्फी मिलती है, एंड सेल्फी में भी आप लोग 4K 60 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एंड इधर आपको EIS मिल जाता है फुल HD के अंदर। तो अभी चल लेते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ, एंड ना हमें मतलब S20 भी काफ़ी प्यारा फोन था, S20 FE, तो उसके अंदर जो अपने को दिक्कत थी वो प्रोसेसर की थी कि भाई एक तो 4G प्रोसेसर, एंड मतलब Exynos के साथ भाई आपको पता है बैटरी ड्रेन इशू एंड हीटिंग इशू वगैरह रहता है, बट इस बार यहाँ पे वक्त जज्बात सब पलट दिया, एंड काफ़ी प्यारा इधर आपको प्रोसेसर मिलता है। इधर आप लोग को स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 7nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, एड्रिनो का 650 का आपको GPU मिलता है, एंड ये फोन आपको एक 5G फोन भी मिल जाता है। वही बात कर लेते हैं बैटरी की, तो इधर आप लोग को 4500mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 25W की फास्ट चार्जिंग, हाँ मतलब फास्ट ही है 25W, ठीक है, बट जो आपको चार्जर मिलता है वो उसके अंदर आपको सिर्फ 15W का मिलता है, तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी इस फोन के साथ। मतलब एक तो ये है कि चार्जर ही मत दो, पर दे रहे हो तो ठीक सा दो, मतलब चलो कुछ नहीं पर दिया तो है कम से कम, काफ़ी सारे फ़ोन तो ऐसे चार्जर वार्जर भी नहीं दे रहे, बट 15W में फास्ट चार्जिंग तो नहीं बोलना चाहूँगा, पर ठीक है। अभी बात कर लेते हैं फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर अपनी प्यारी दुलारी चीज़ 3.5mm का जैक नहीं मिलता, जो चीज़ मेरे को थोड़ी सी बेकार लगी इस फ़ोन के साथ। मतलब वैसे इस प्राइस के अंदर काफ़ी सारे फ़ोन ये चीज़ स्किप कर ही देते हैं, तो छोड़ो। बाकी इधर आप लोग को हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, जो थोड़ी सी सही चीज़ है, मतलब कि आपको ऑप्शन तो मिल ही जाता है मेमोरी कार्ड का, ये चीज़ तो मेरे को काफ़ी सही लगी। एंड इधर आप लोग को IP68 की रेटिंग मिल जाती है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, 240Hz का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, बेजललेस डिस्प्ले मिल जाती है, HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है, Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, सैमसंग पे नॉक सिक्योरिटी, एंड यहाँ पर आपको फुल फ्लैश वर्जन मिल जाता है 1UI का, LPDDR5 आपको रैम टाइप मिल जाती है, UFS 3.0 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, OIS मिल जाता है, एंड जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया आप लोगों को IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है। तो अगर आप लोग एक पैकेज देखते हो ना, तो आपको भाई काफ़ी प्यारा पैकेज मिल जाता है, यानी कि डिस्प्ले वाइज भी आपको काफ़ी सही, मतलब आपको पता है सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ओपी रहती है, तो आपको डिस्प्ले अच्छी मिलती है, एंड मेगापिक्सल पे तो जाना नहीं चाहिए, मतलब जो भी आपके महंगे फ़ोन होते हैं उधर अपने को मेगापिक्सल पे जाना नहीं चाहिए। आपको जो आउटपुट मिलने वाला है, जो अपनी प्रोसेसिंग वगैरह का छिड़काव या जादू होने वाला है सैमसंग की तरफ से, उधर आपको काफ़ी प्यारा आउटपुट मिलने वाला है, एंड 4K वगैरह तो आप लोग कर ही सकते हो, उधर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली भी 60 FPS पे। प्रोसेसर वाइज आपको बताइए भाई, प्रोसेसर चेंज होने से कितना कुछ चेंज हो जाता है। अगर आप लोगों ने किसी की कंपेरिजन वीडियो
देखे हो जिन्होंने मतलब दो फोन यूज़ करो, एक में एक्सिनोस का प्रोसेसर, एक में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, तो आपको पता होगा कि भाई बैटरी के अंदर एंड मतलब परफॉर्मेंस वगैरह मतलब सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाता है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की वजह से, एंड हीटिंग इशू वगैरह बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं, एंड फ्रेम ड्रॉप वगैरह भी काफ़ी कम हो जाते हैं। यानी कि एक एक्सपीरियंस आपको क्या काफ़ी प्यारा मिलने वाला है अगर आप लोग के फोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता है, अगर आप लोग उसको एक्सिनोस से कंपेयर करते हो। एंड बैटरी भी आपको अच्छी मिल जाती है, 4500 mAh की बैटरी एंड टाइप वो मतलब टाइप सी वगैरह तो मिल जाता है, एंड फास्ट चार्जिंग वगैरह भी आपको काफ़ी सही मिलती है। हाँ, फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, बाकी 3.5 mm का जैक तो इस प्राइस से काफ़ी सारे फ़ोन निकाल ही देते हैं, तो उस चीज़ के बारे में तो क्या ही कहना। एंड फोन के प्राइस की बात की जाए तो भाई इस फोन का जो आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस मिलता है आपको 48,000 का मिल जाता है, यानी कि शुरुआत के टाइम पे आप लोग इस फोन को 48,000 में ले सकते हो। एंड 48,000 में तो भाई काफ़ी सही आपको डील मिल जाती है, एंड अगर आप लोग ऑफलाइन वगैरह इस फोन को परचेज करोगे तो आपको और भी सस्ता ये फोन मिल जाएगा, यानी कि 45 या उससे भी कम का आप लोग को ये फोन ऑफलाइन में मिल जाएगा। तो मेरा तो ये अगर आप लोग का बजट है ना मतलब 45,000 के आसपास का, एंड अगर आप लोग कोई सिक्योर फोन देख रहे हो, कोई नॉन चाइनीज फोन देख रहे हो जरा आप लोग गेमिंग अच्छी कर सको, आपको डिस्प्ले वगैरह अच्छे मिल जाए, कैमरा अच्छा मिल जाए, बैटरी वगैरह अच्छा मिल जाए, एक्स्ट्रा फीचर्स अच्छे मिल जाए, काफी सिक्योर फोन मिल जाए, 1 UI आपको फुल फ्लैश वर्जन मिल जाए, नोक सिक्योरिटी वगैरह मिल जाए, तो आप लोग सैमसंग के इस फोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हो, सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G की तरफ। काफी सही फोन आपको अपने प्राइस के हिसाब से मिल जाता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय वगैरह बता सकते हो कि भाई आपको ये फोन कैसा लगा, आपकी कुछ भी राय वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। मिलते हैं किसी वीडियो के लिए, बाय बाय।